हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लाइट रूम के अंदर एडिट करेंगे। तो आज हम एक पोर्ट्रेट एडिट करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का लाइट रूम के अंदर। तो चलिए देखते हैं कैसे है लाइट रूम के अंदर फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का लुक दे। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लाइट रूम के अंदर ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको सिलेक्ट कर लेना। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पे अगर क्लिक करोगे तो आपका इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। और यहाँ नीचे आते हुए आपको टेम्परेचर दिखेगा और टिंट दिखेगा। ये सारे बेसिक एडजस्टमेंट है, इसको आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मैं इन दोनों को स्किप करता हूँ, मतलब इन दोनों ऑप्शन को छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये हाइलाइट्स है। अगर मैं इसे कम ज्यादा करूंगा तो मेरे हाइलाइट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो, मैं अगर इसको -30 के अराउंड ले जाता हूँ टेम्परेचर, तो मेरा हाइलाइट पे असर पड़ता है। तो मुझे इसे छेड़छाड़ नहीं करना, हाइलाइट ज्यादा ऐड नहीं करना है इमेज पे। तो यहाँ एक्सपोजर थोड़ा सा ऐड करूंगा अपने इमेज पे, अराउंड 12 के अराउंड रखूंगा। और इमेज को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करूंगा। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट ऐड करने के बाद मेरा इमेज थोड़ा और भी शार्प लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ हाइलाइट्स का ऑप्शन पे आता है, यहाँ हाइलाइट्स थोड़ा सा ऐड करेंगे अपने इमेज पे। और यहाँ शेडो को एकदम माइनस के अराउंड लेके जाएंगे, 90 के अराउंड माइनस रखेंगे। और यहाँ व्हाइट वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे, इतना भी ऐड नहीं करना है कि हमारा जो इमेज का डिटेल है वो सारे लॉस्ट हो जाए। तो हमें एक ऐसा अमाउंट रखना है कि हमारा स्किन का जो डिटेल है या जो भी हाइलाइट का पार्ट है वो रहे। तो यहाँ उसके बाद जो ब्लैक का ऑप्शन है, यहाँ ब्लैक को एकदम डाउन करेंगे इतना, ठीक है 60 का राउंड ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए, 60 या 50 का राउंड ठीक है। और यहाँ देखो नीचे क्लैरिटी का ऑप्शन है, तो ये क्लैरिटी का ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो अपने इमेज पे। अदरवाइज आपका अगर इमेज शार्प नहीं है तो आप थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ा सकते हो। तो यहाँ मेरा इमेज जो है बहुत शार्प है, तो आप देख सकते हो ये बहुत शार्प है, तो मुझे और क्लैरिटी देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ नीचे आते हुए देखो, यहाँ एक ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन है, B&W जो लिखा है, तो इसको सिलेक्ट करो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखो मिक्सर खुल जाता है ब्लैक एंड व्हाइट का। तो यहाँ आपको रेड चैनल, ऑरेंज चैनल, येलो, ग्रीन, ये सारे कलर्स दिख जाते हैं। तो ये सारे कलर्स आपके इमेज के अकॉर्डिंग है। तो मजेंडा जो कलर है वो आपके स्किन टोन को मेंटेन करता है, स्किन को इफेक्ट करेगा अगर आप उसको छेड़छाड़ करोगे तो। यहाँ देखो, तो मैं यहाँ जो रेड वाला कलर है, रेड वाला कलर को डाउन के तरफ लेके जाता हूँ। और यहाँ जो ऑरेंज वाला कलर है इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, ये मेरे स्किन को इफेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ स्किन इफेक्ट हो रहा है। ऑरेंज को अगर मैं कम या ज्यादा करूँ तो इतना थोड़ा कम करता हूँ, ज्यादा नहीं। और येलो वाला जो पार्ट है इसको भी थोड़ा सा कम करता है, थोड़ा, हाँ इतना काफी है। और ग्रीन वाला चैनल को पूरा कम कर देते हैं, एक्वा को भी कम कर देते हैं। जो कलर आपको नहीं चाहिए उसको एकदम -डीसेचुरेट कर देना। बस आपको तो स्किन वाला जो कलर चाहिए वही आपके लिए परफेक्ट है। मतलब आपको अपना स्किन को ही तो हाईलाइट करना है, मतलब जो कैरेक्टर है उसको फोकस करना है, और बाकी बैकग्राउंड आपका डार्क हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे पोर्ट्रेट्स में। तो यहाँ ब्लू ऐड करते हैं तो इतना काफी है। और यहाँ पर्पल, पर्पल को थोड़ा सा कम करेंगे, ज्यादा नहीं। यहाँ मजेंडा जो इसका स्किन कलर है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, इतना काफी है। तो ये देखो, इतने देर में बहुत सारे एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ हमारा इमेज और भी आगे से बेटर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक फेड सा लुक, एक ड्रामेटिक टाइप का लुक ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कर्व्स टूल यूज करना होगा। तो यहाँ भी कर्व्स का ऑप्शन है, तो यहाँ देखो टोनल कर्व, तो यहाँ इसको ऐड करो। टोनल कर्व पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सेम एडजस्टमेंट दिख रहा है जैसे फोटोशॉप के अंदर दिखता है। तो यहाँ हम पॉइंटर ऐड करेंगे एस कर्व क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ बस पॉइंटर दो ऐड करेंगे, तो ये देखो ऊपर वाला हाईलाइट होगा और नीचे वाला शेडो होगा, आपको पता ही है। तो ये काफी है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको अगर ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो आपका इमेज जो है वो फेड हो जाएगा, मतलब एक फेड सा लुक आएगा। तो ये देखो, इसको ज्यादा फेड नहीं करना है, थोड़ा सा, इतना काफी है। तो ये देखो कुछ ही सेकंड में मैंने एक ड्रामेटिक टाइप का ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट एडिट किया, तो आप देख सकते हो डिफरेंट। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो यार, 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे,
बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, तो करो यार, सपोर्ट करो भाई को, भाई के जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। और नीचे कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और तुम मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में मैं स्टोरीज में अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।